कि आपकी क्या वजह रही इस्तीफा देने की? अब इस वजह तो यही है कि वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों से असहमत नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे आप असहमत है? अब सब आप जानते हैं। नहीं, फिर भी अगर एक उदाहरण की जरूरत नहीं है, उदाहरण के लिए अगर आपने एक दो नीतियां बताई। नहीं, हम बस उतने में है रीतियों नीतियों में। और कौन सी ऐसी रीति नीति है? सारे समाज के लोग, तमाम लोग मूवमेंट को छोड़कर चले गए, तमाम लोग शिथिल है आज भी, है जो है दल में वो भी जो है अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं। ये नेतृत्व का मामला है। हमने जो अपनी पीड़ा को वो नेतृत्व जानती है, हमने अपना जो है इस्तीफा दे दिया। और पूरे बहुजन समाज का पूरे देश में आक्रोश है। और बाबा साहेब मानवर काशीराम साहब का मूवमेंट पिछड़ रहा है, सबसे पहली बात यह है, इसलिए जो है हमने इस्तीफा दिया प्राथमिक शिक्षा का। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि आप बड़े सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं बीएसपी के, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में भी आपने काम किया है, है ना? तो कांशीराम साहब के वक्त की बीएसपी और अभी जो बीएसपी का कार्य नीति है या जो नीतियां है रीतियां है, उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। एक तरफ ग्राफ बढ़ रहा था साहब के रहने पर, एक तरफ ग्राफ घट रहा है, तो ये अंतर नहीं है। और क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। हर जगह पूरे प्रदेश में, पूरे देश के हर राज्यों में जनाधार खिसक रहा है। ये अंतर नहीं है, तो देख ही रहे अंतर है। उसके अलावा भी उन कांशीराम साहब के कार्य करने का जो प्रक्रिया थी या उनका उनकी जो प्रोसेस थी वो एक अलग प्रकार से थी। बहन मायावती अलग प्रकार से काम कर रही है, उसको लेकर भी कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना है। उसकी जिम्मेदारी यदि कोई चीज है घर का, कोई मान ली मूवमेंट पिछड़ रहा है, तो उसके जिम्मेदार तो नेतृत्व ही कहा जाएगा ना। बहुत से लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से निकल गए, दद्दू प्रसाद जी निकल गए, फिर आप, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बीएसपी से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व की जो नीतियां है उससे सहमत नहीं है या खुश नहीं है जो वो कर रही है, तो उसके बाद बीएसपी से बाहर जाने के बाद वो अपना विकल्प के तौर पर कुछ नया कुछ खड़ा नहीं कर पा रहे, तो उसको उसके क्या कारण लग रहे हैं आपको? उसका कारण वो लोग जानेंगे जो लोग अलग गए। लेकिन मैं जो है किसी दल में नहीं जाऊंगा जी। तो मूवमेंट जो बाबा साहेब मानो काशीराम साहब का कारवां जो चलाने के लिए दृढ़ प्रतीक होना पड़ेगा, आत्मबल रहना चाहिए और निष्ठा ईमानदारी का काम करे जो आदमी, समाज जुड़ेगा। साहब कोई साहब मानो काशीराम साहब न कोई नाता रिश्तेदार थे, न तो हमने उन्हें देखा था, लेकिन जुड़ गए विचारधारा से। तो सही काम करने वाला आदमी जो है जुड़ेगा विचार, जिसका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा तो तमाम दल है। मानो काशीराम साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि दूसरे संगठनों में रहने वाले लोग अपनी समाज का भला नहीं कर सकते। अपना मूवमेंट था, मान लिया कहीं गलती है तो कौन रोका है भाई? समाज को जगाइए, प्लेटफॉर्म को तैयार करिए, दीजिए ना समाज के सामने विकल्प। समाज जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास। जी, आपने कहा कि आप किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, तो क्या है? मैं कोई राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। तो क्या माननीय काशीराम जी के पुरकिसी पर या अपने समर्थक जो आएंगे उनके विचार मत करके आगे, चाहे तो आम संगठन बना करके पूरे में यहाँ पे राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाए। अच्छा, आप या तो अलग से राजनीतिक दल बनाएंगे या फिर सामाजिक संगठन। जी ठीक, काम करना है, जब तक जिंदा रहना है मानव काशीराम बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ाने का काम करे। सहमत लोग हो जाएंगे राजनीतिक प्लेटफॉर्म देंगे, सहमत हो जाएंगे सामाजिक संगठन के माध्यम से काम करेंगे। ये जी जी, आप 9 तारीख को निर्णय होगा। कितने तारीख को? 9 अक्टूबर को आप काशीराम साहब को पूरी चुकी। जी जी जी, आखिरी सवाल है कि अलग अलग मतलब बहुत से लोग जो बीएसपी में है वो नाराज है, जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है वो बाहर निकल रहे लेकिन इसी की वजह से, अलग अलग जो बाहर निकल रहे लोग, इसी की वजह से मायावती को कोई नुकसान नहीं हो रहा या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही? तो आपके साथ में भी हम कह रहे बहन मायावती जी का नुकसान हो या मैं हो, उनका विषय उनको महसूस हो रहा होगा, हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो उनका विषय है।
लेकिन मान लीजिए हम जो अपनी बात कह रहे हैं, अब हम एक महसूस कर रहे हैं कि मोमिन का नुकसान हो रहा है जी। तो आप आप नुकसान हो रहा है तो हम उसको पूर्ति के लिए समाज को जागरूक करेंगे और क्या। जी जी, आप जैसे नीतियों से सहमत नहीं है, जो बीएसपी की अभी की जो नीतियां है उसे असहमत है, तो आप जैसे ही और कोई लोग है जो असहमत है, जिनसे जिनसे आपकी बातचीत हुई है और जो आपके साथ आना चाहते हैं? तो देखिए, बातचीत बहुत लोगों से हुई है, लेकिन देखिए काम करना है, अपना रास्ता पकड़ के चलना है। सारे लोग जो साथ में आएंगे उनको साथ ले लेंगे, सारे पुराने हो चाहे नए हो, जो साथ में चलेंगे उनको साथ लेंगे, उनका स्वागत है। अभी बीएसपी में ऐसे कोई लोग है और जो वो बीएसपी रहने वाले जो लोग वो जानेंगे हम कैसे बतला सकते। नहीं, आप आपकी कुछ उनसे बात हुई है या कुछ इस विषय पर? नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई है। आपके बाहर आपके बाहर आने के बाद किसी ने आपसे बात की हो? बहुत लोग, सारे लोगों ने बात किया है, तमाम लोगों ने, जो पार्टी में है वो तो आप पार्टी में, तो वो आपसे, तो वो लोग आपसे सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत है, अच्छा निर्णय दिया आपने, वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, साथ में रहने की बात कर रहे हैं। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।